कोरबा जिले की हरदी बाजार पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि कुछ लोग गेवरा खदान से कोयला उत्खनन कर चोरी कर परिवहन कर ले जाने के लिए ग्राम भटोरा मैदान में भरतलाल राठौर के मकान के पीछे डंपकर रखा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लावारिस रखे 75,000 रुपए कीमत के 25 टन कोयले को जब्त किया। सारंगढ़ राजमहल में अज्ञात व्यक्ति ने परंपरागत ध्वज को उतारकर भगवा ध्वज लगा दिया। राजमहल परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की। भगवा ध्वज लगाने वाले युवक को सोमवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक सारंगढ़ के बुलजीत पारा निवासी बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। सरगुजा जिले में स्थित सीतापुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र का ताला तोड़कर राशन सामान और गोठान से तार चोरी करने वाले चोर गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर एसएससीयू की नारकोटिक सेल व थाना गोलबाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर पवन सूर्यवंशी व पूरन सोनी को पकड़कर उनके पास रखे बैग से 4.5 लाख रुपए कीमत का 47 किलो गांजा जब्त किया है। कोरबा की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र के वर्कशॉप नंबर 1 में सोमवार की दोपहर बाद हुई आगजनी की घटना में पुराने टायर जल गए। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य के साथ आगजनी पर नियंत्रण कर लिया गया। प्रबंधन ने दावा किया कि अधिकांश टायर पुराने थे, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कवर्धा जिले की बोडला पुलिस ने टाटा इंडिगो कार के साथ गांजा तस्करी करते भिलाई निवासी 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। अवैध गांजे की कीमत 5,23,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त टाटा इंडिगो की कीमत 3 लाख रुपए एवं एक नंग मोबाइल कुल जुमला कीमत 8,24,000 रुपए पुलिस ने जब्त किया है। नवविवाहिता अपने ससुराल से अपने बहनोई के साथ 5 दिन बाद मायके लौट रही थी, तभी बाइक से गिरकर उसकी मौत हो गई। घर में खुशी का मौका मातम में बदल गया। मझगांव जिला बेमित्रा निवासी महेश्वर जायसवाल की शादी तखतपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गिरधोना निवासी मिथिलेश कुमार जायसवाल के साथ 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट के वारदात का खुलासा हो गया है। आरोपी कैशियर आकाश यादव ने ही अपने भतीजे के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। इस पूरी वारदात को क्राइम ब्रांच ने चंद घंटों में सुलझा लिया। झूठी रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों से 9 लाख रुपए नकद रकम बरामद कर ली गई है। बिलासपुर शहर पिछले 4 साल से घूम घूम कर चोरियां करने वाले मंकी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी के गहने खरीदी करने वाले सोनार व गलाई करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 40 तोला सोना 2 किलो चांदी समेत 25 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। कवर्धा जिले की पुलिस ने कवर्धा के पीजी कॉलेज अपनी बाइक से जा रहे प्रार्थी को एक्टिवा सवार 3 युवकों द्वारा रोककर मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर स्थित अंबेडकर अस्पताल से उपचार के दौरान फरार विचाराधीन बंदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई तीन पुराना निवासी पी मोहनलाल रेलवे एक्ट के तहत केंद्रीय कारागार रायपुर में बंद था। दिसंबर 2021 को तबीयत खराब होने से उसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया था। जसपुर जिले की नारायणपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित ग्राम गायलुंगा में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला मोहनी बाई को गोली मारकर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद जिले की बसना पुलिस ने वाहन चेकिंग की कार्रवाई के दौरान पदमपुर की ओर से एक सफेद रंग की टाटा मांजा कार को रोककर उसकी तलाशी में 45 किलो गांजे के साथ आरोपी बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त गांजे और कार की कीमत लगभग 15,000 रुपए बताई जा रही है। रायगढ़ जिले के लैनगंवा थाना क्षेत्र में 3 मई को मिली जली हुई लाश के मामले को पुलिस ने सुलझाकर मृतक की प्रेमिका उसके पति व भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की प्रेमिका सुनीता ने पुलिस को बताया कि शादी होने के बाद भी वो अक्सर मिलने के लिए परेशान करता था।
बिलासपुर जिले के ग्राम बिरकोना में खेत प्लाट से लगे 72 नग आरसीसी सीमेंट पोल चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित विमलेश उर्फ नामदाव रोहिदास को कोनी पुलिस ने चोरी की सीमेंट पोल व पुरानी बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर शहर के जनपद पारा मार्ग में निर्माणाधीन मकान में महिला की सड़ी गली लाश मिलने के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया। उधार के लिए 2000 रुपए वापस नहीं करने को लेकर उपजे विवाद में आरोपी ने उस महिला की हत्या कर दी। आरोपी विष्णु गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर के सीतापुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी बहन की सहेली से प्यार का इजहार किया। लड़की के मना करने पर उससे दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद 3 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। इस बीच जब लड़की की शादी तय हुई तो आरोपी ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले में करतला विकास खंड के ग्राम रोगदा में निवासरत एक ग्रामीण पर उस समय संकट का पहाड़ टूट गया जब बेटी के शादी के एक दिन पहले समाज के लोगों ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पीड़ित ग्रामीण की बेटी ने महिला आयोग और प्रशासन से गुहार लगाई है। रायगढ़ के सारंगढ़ के हिर्री में वारे क्लिनिक के संचालक को स्वास्थ्य विभाग ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। यहां सोमवार को छापा मारा गया। अस्पताल में नर्सिंग होम अधिनियम की अनदेखी पर कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में चपले बाजार के पास सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 49 में खड़े ट्रैक्टर को हाईवा ने टक्कर मार दी। हादसे में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेमेतरा में आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता के हत्यारे कमलेश साहू को एडीजी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारा कमलेश साहू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से एक तरफा प्यार करता था। उसे पाने में नाकाम होने पर छोड़ने के बहाने कमलेश ने पहले पेट में चाकू मारा, फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। कांकेर जिले के पखांजू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाजार से मोबाइल चोरी करने के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके साथ 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इनके साथ में शामिल 2 पुरुष को तार चोरी के मामले में पकड़ा गया है। महासमुंद जिले में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए जिले की पुलिस ने ई कॉमर्स के ऑनलाइन वेबसाइट से जानकारी मांगकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के 20 चाकू जब्त किए हैं। मोबाइल टावर लगाने के नाम से 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले सक्रिय गिरोह के एक और आरोपी को जांजगीर जिले की अगलतरा पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रार्थी रामेश्वर धुड़ी से रिलायंस जियो का मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लगातार कई महीने से कुल 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। जसपुर जिले के पंडरापाट पुलिस चौकी क्षेत्र में घर के बाहर काम कर रही युवती को एक युवक उठा ले गया। इसके बाद उसने घर के पीछे उससे दुष्कर्म कर भाग गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर की कोतवाली पुलिस ने सूने मकान से चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने मिलकर घर में रखा हजारों रुपए का सामान पार कर दिया था। बताया गया कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त घर में रहने वाली महिला अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए बाहर गई थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 10,000 रुपए नगद, 1 नग मंगलसूत्र, 2 जोड़ी पायल, 1 नग टैबलेट और पावर बैंक जब्त किया है। दुर्ग जिले में लोगों को कार सिखाने के लिए ड्राइविंग स्कूल संचालकों द्वारा आरटीओ नियम को ताक में रखकर ड्राइविंग स्कूल चलाए जा रहे हैं। किसी भी ड्राइविंग स्कूल के पास टैक्सी परमिट कार नहीं है। ऐसे में दुर्ग आरटीओ ने इनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई करते हुए नेशनल ड्राइविंग स्कूल सिविक सेंटर भिलाई की 2 कारों को जब्त किया है। सेलूत के धान संग्रहण केंद्र में अचानक आग लग गई। धान संग्रहण केंद्र के मैदान में बिखरे धान और भूसे से आग तेजी से फैल रही थी। सूचना पर नगर सेना की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंची और 12 गाड़ियों के पानी से आग पर काबू पाया गया। सोमवार की शाम को पुलिस ने जिले भर में पैदल मार्च किया। थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजार व क्षेत्रों में
पुलिस पैदल पहुंची। इस दौरान पावर हाउस आकाशगंगा, सुपेला, सूर्या मॉल सहित बाजार क्षेत्र के नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर चलानी कार्रवाई कर वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला गया। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत सखलन निवासी दुष्कर्म पीड़िता ने एसपी को शिकायत पत्र सौंपकर दुष्कर्म के आरोपी देव नारायण द्वारा 15 दिन में जमानत लेकर छूटने के बाद दूसरी शादी करने की जानकारी देते हुए शादी रुकवाने की मांग की है। बालोद शहर का व्यवसायी सोमवार को बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। इसी दौरान 25 लाख रुपए से भरा बैग रास्ते में गिर गया, लेकिन व्यापारी को पता ही नहीं चला। रास्ते से गुजर रहे मोटरसाइकिल दो अज्ञात महिला पुरुष ने गिरा हुआ बैग उठाकर ले गए, जिसका वीडियो मार्केट की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बिलासपुर में सोमवार दोपहर पेयजल संकट से परेशान वार्ड के लोगों ने अपने पार्षद के साथ नगर निगम में हल्ला बोल दिया। खाली मटकी लेकर पहुंची महिलाओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीने का पानी मुहैया कराने की मांग की।